तो गाइस इनलाइन फोर चार सिलेंडर, चलिए सबसे पहले आवाज सुनिए। तो भाई बहुत ही वाहियात मजाक था। तो सबसे पहले हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइस थोड़ी सी क्या मतलब मैं कहूँ तो ज़्यादा गंदी हो रही है और एकदम ब्रांड न्यू है भाई, दी ओला S1 प्रो 2023 की लेटेस्ट एडिशन। ये देख सकते हैं इसका जो फॉर्क है, जो भाई फ्रंट का जो टूट आया करता था उसको अब कंपनी ने अपडेट कर दिया। अब देखते हैं भाई ये कितना प्रॉमिसिंग साबित होता है। और सबसे पहले भाई पहली बार है कि मैं कोई ईवी जो है चलाऊंगा, और बस मुझे अभी भाई 1 किलोमीटर 1.1 देख रहे हैं भाई ये ट्रिप हुआ है, सिर्फ उतना ही मैंने अभी तक चलाया, पहली बार चलाया कोई भी ईवी नहीं। तो आज तक सारी जो चलाई भाई मैंने बाइक्स जो है वो पेट्रोल ही चलाई हैं। और ये देख रहे हैं ये हो गया है लॉक और ओला S1 प्रो। तो सबसे पहले बात करें ओला की, तो इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे बेस है जो आप कह सकते हैं ओला S1 एयर, जिसमें आपको हब मोटर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है ओला S1 और ये है ओला S1 प्रो सबसे टॉप वेरिएंट। प्राइस की मैं बात करूँ तो 1,55,000 आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है वाराणसी में। प्राइस जो है भाई वो वैरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स में। और भाई सिंगल टोन कलर में आती है, पूरी ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर स्पेशली भाई मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बट थोड़े कीचड़ वीचड़ से भाई देख रहे हैं थोड़ी सी गंदी हो गई। और अगर मैं पेंट स्कीम की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो सकता था। और बात करें इसमें आपको कंप्लीट LED सेटअप देखने को मिलता है भाई। डेफिनेटली EV है तो हैलोजन दे भी नहीं सकते, बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जैसे चलिए फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं इसको। अगर मैं इसको ऑन करना है आपको तो आप कोई भी भाई की भी नहीं मिलती, या तो आप डायरेक्ट अपना फ़ोन जो भी रजिस्टर्ड है इसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं इसके ऐप से, या तो आप यहां से जैसे ही एक बटन प्रेस करते हैं वन टाइम तो इसका जो है पासवर्ड एंटर करने के लिए आ जाता है। अभी फ़िलहाल इसका अगर मैं पासवर्ड सही टैप करता हूँ तो हाँ भाई ये देखिए अनलॉक हो गई। अभी स्टैंड लगा हुआ है तो ये पार्किंग मोड पर है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्रंट से, तो मैं अगर दिखाऊँ तो फ्रंट में कंप्लीट आपको LED सेटअप देखने को मिलता है, ये देख रहे हैं भाई। तो नाइट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगी, कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे सिंपल सा आपको ओला का एक स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक पैनल्स की क्वालिटी मतलब जिस प्राइस रेंज पर आ रही है डेफिनेटली और बढ़िया होना चाहिए था। आप देख रहे हैं मतलब ये अभी कुछ ही दिन हुआ, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 से 15 दिन हुए इसको आए हुए। और इसका साइड का जो है ये देखिए थोड़ा सा जिसकी स्कूटी है भाई मतलब क्रैश नहीं हुई है, गली में ही खड़ी थी भाई, सामान थे तो थोड़ा लड़ाई वड़ाई कर रहे थे तो उसमें ये टूट गया। तो अभी आज मैं ये चेंज ही कराने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो इसका हालांकि ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस जिसने भी जिसकी मतलब ये स्कूटी है उसने ले रखा है, तो फ़िलहाल फ्री में ही होगा। और अब बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको सिंगल फोर्क देखने को मिल जाता है जिसका टूटने का बहुत ज़्यादा मैंने शिकायत देखा है। हालांकि अब जो है आप देख सकते हैं इसको अपडेट कर दिया गया है, तो देखते हैं अब फिलहाल क्या रहता है। फ्रंट में भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। और फ्रंट टायर्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, 110/70 का आपको फ्रंट और रियर दोनों में टायर देखने को मिल जाता है। 12 इंचेस के आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड फ्रंट और रियर दोनों में। और भाई 220mm का आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है, 180mm का आपको रियर में डिस्क देखने को मिल जाता है। मतलब ये एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बम्प है, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान वामान रखने में ना देखिए भाई होती है दिक्कत, तो ये कंपनी को भाई फ्लैट करना चाहिए। डुअल आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, और जो ये स्कूटी है स्कूटर आप जो भी कह लिए EV पूरा वाटरप्रूफ है, तो पानी वानी में लेके भाई डुबा दीजिए कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको हुक देखने को मिल जाता है, आपको सामान वामान कुछ फंसाना है तो आप फंसा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कोई हुक देखने को नहीं मिलता जैसे कि बाकी आपको पेट्रोल व्हीकल्स में देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है भाई। सीट्स देख सकते हैं, स्पेशली सीट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी वेल कुशनड है, मतलब बहुत बढ़िया भाई। हाँ ये है कि पीछे जो है इनको थोड़ा सा ये ग्रैबरस पीछे तक देना चाहिए था, क्योंकि हाइपर मोड पे जिस हिसाब से पावर पकड़ती है ना, अगर आपने पिलियन आपका ढंग से बैठा नहीं है तो वो गिर जाएगा।
तो अब जो है थोड़ी सी गंदी है, तो सबसे पहले जो है इसका आपको मैं मीटर दिखाता हूँ। 7 इंच का आपको जो है पूरा TFT डिस्प्ले मिलता है टच। तो ये रहा, ये हो गया भाई अनलॉक। और अब आपको दिखाते हैं पूरा बैठ के आराम से। तो ये देख सकते हैं भाई, अगर इसका मीटर भाई इतना मतलब ज़्यादा अगर डेप्थ में मैं जाऊँ ना, तो पूरा 5 से 10 मिनट का एक पूरा इस पर अलग वीडियो बन सकता है। हालांकि मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा समझा दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ट्रैक वैक दिखा रहा है, मतलब आपको मैं फुल सेटिंग में आकर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी पूरा बैटरी परसेंटेज बता रहा है, 47% चार्ज दिखा रही है। और इसके अगर मैं स्पेशली बात करूँ मोटर की, तो 8.5 किलोवाट का इसमें आपको मोटर देखने को मिल जाता है। मिड ड्राइव इसमें आपको मोटर मिलता है। और अच्छा, और इसमें आपको अगर मैं बात करूँ 52 या 58 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करती है भाई। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर है स्कूटी के हिसाब से भाई। मतलब अगर मैं कहूँ अच्छे अच्छे 150 सीसी बाइक्स को ये कॉम्पीट कर देती है स्कूटी, हाँ भाई स्कूटी या स्कूटर जो भी कह लीजिए, आराम से भाई कम्पीट कर लेती है। तो जल्दी जल्दी इसका मैं आपको पूरा मीटर का सेटिंग बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके स्कूटी का टेम्परेचर भी बताता है, और ये देख सकते हैं अभी जो है इसमें 4 मोड मिलते हैं, चारों का आपको रेंज बता रहा है, इको मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। और भाई ये फिर से लॉक हो गई। और अगर आप इसको फुल चार्ज की मैं बात करूँ, तो करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में, और फुल चार्ज के बाद जो है 170 किलोमीटर जो है चली जाती है। और डेफिनेटली हाइपर मोड पर सबसे ज़्यादा पावर मिलता है, तो रेंज जो है सबसे ज़्यादा कम वहाँ पे हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप ब्राइटनेस की सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे साउंड सेटिंग है भाई मीडिया, और भाई ये नकली स्पीकर है, इसमें कुछ एग्जॉस्ट मिलता नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो यहाँ से अगर इसका मैं अभी हटा के आपको दिखाता हूँ, जो ये आवाज़ भी निकालती है भाई, ये देख रहे हैं भाई, मतलब एग्जॉस्ट नहीं तो कंपनी वाले नकली एग्जॉस्ट बना रहे हैं। अब जो है स्टैंड लगा देते हैं, फिर से आते हैं सेटिंग में, ऑल सेटिंग, साउंड सेटिंग तो फिर मैंने दिखाई दी। यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल फुल पे है। लाइट्स में सेफ्टी लाइट्स, मतलब सारी लाइट्स जो है ऑन हो जाएंगी, अभी फ़िलहाल ऑफ रखा है क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी। राइडिंग पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 देख रहे हैं फंक्शंस मिलते हैं, लो, डिफ़ॉल्ट और हाई। लो में बेसिकली ये क्या है, अगर मैं बात करूँ जैसे हम लोग बात करते हैं पेट्रोल व्हीकल्स की, तो ये बेसिकली इंजन ब्रेकिंग है। तो अगर ये आप लो पे रखते हैं, तो जैसे ही आप थ्रॉटल लेके इनिशियली छोड़ते हैं, तो इंजन ब्रेकिंग जो है धीरे धीरे होती है, और डिफ़ॉल्ट पे जो है मीडियम होती है, और हाई पे मतलब सबसे तेज़ इंजन ब्रेकिंग होती है। तो अभी यहाँ पे हाई लगा हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे आपको हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है, तो कभी मान ली ढलान वाला ने हिल होल्ड असिस्ट लगाया, तो बाइक स्कूटी जो है पीछे नहीं आएगी, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पे बैटरी में वैकेशन मोड मिलता है, तो आप कभी मान लीजिए बाहर बाहर गए तो इसको लगा देंगे, तो बैटरी आपकी जो है डाउन नहीं होगी। और यहाँ से आप अपना पासवर्ड वासवर्ड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, यहाँ से सिस्टम अपडेट भाई जो भी अपडेट आएगा, और अबाउट में इसका सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब भर भर के इन्फॉर्मेशन है भैया। और एक चीज़ और है, मैं आपको अगर दिखाऊँ डिस्प्ले में, तो यहाँ पे अगर ये ऑटो है, ये दिन के टाइम अगर आप लाइट मोड कर सकते हैं, और रात में जो है डार्क मोड करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अभी फ़िलहाल ऑटो कर लेते हैं, हाँ भाई, तो ये हो गया ऑटो पे। तो ये तो रहे भाई मीटर के सेटिंग, और अपना फ़ोन जो है आप इससे गाना वाना बजाते चल सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा तेज़ गाना बजा के चलिए, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता भाई छपरियों की तरह, और पीछे से कोई हॉर्न दे रहा, ओवरटेक कर रहा, तो उसमें आप डिस्टर्ब भी होंगे। तो कभी कभार आपका मन कर रहा है ऐसा, कभी रात में निकले या तो बहुत धीमा म्यूज़िक जो है सुन सकते हैं। डुअल स्पीकर मिलता है, अगर बेस की मैं बात करूं तो बेस बिल्कुल भी नहीं स्पीकर में, बट हाँ लाउड है, क्लियर आपको साउंड देखने को मिलता है। बटन्स की मैं बात करूं, तो यहाँ से आप जो है लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, और यहीं से क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें देखने को मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल अभी आगे देखते हैं जब चलाते हैं, तो यहाँ से इंडिकेटर का आपको देखने को मिल जाता है, और ये देखिए स्पीकर में से इंडिकेटर का साउंड भी आ रहा है, और यहाँ पर हॉर्न भी भाई लाउड है अच्छा खासा। और ये अगर मैं कहूँ तो आपको मोड्स चेंज करने के लिए दिख जाता है, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। और ये पावर बटन, यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और ये गाने वाने भाई प्ले और स्टॉप करने के लिए। अब उतरते हैं इसका, आपको सबसे बढ़िया चीज़ आपको बूट स्पेस दिखाते हैं भाई। और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करते हैं,
तो ये आपकी सीट जो है खुल जाती है। और ये देख सकते हैं चार्जर रखा हुआ है, और मतलब 36 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, मतलब दो हेलमेट आराम से आने वाले हैं आपके। बहुत बड़े बड़े हेलमेट नहीं भाई, हाँ थोड़े छोटे मोटे हेलमेट, दो हेलमेट और बहुत स्पेशियस है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। 150 kg जो है इसका कैरिंग कैपेसिटी है पूरे जो S1 Pro का। और आपको प्रॉपर ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं साइड में प्लास्टिक के, तो साइड में जो भी बैठेगा भाई पकड़ पकड़ सकता है। और एक अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये जो फुट पैक से ये पूरा AC में भाई बंद हो जाते हैं, तो ये काफ़ी सही लगा। और काफ़ी मतलब अगर डिज़ाइन की मैं बात करूं तो एक आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, और थोड़ा कार्टूनिश है आप जो भी कह सकते हैं, मुझे तो भाई ठीक ठाक लगती है। और सबसे एक चीज़ है कि ये देख सकते हैं जैसा कि ये टूट गया है, तो इसमें भाई कोई प्रोटेक्टर देना चाहिए, जैसा कि और भी आपको पेट्रोल स्कूटी में मिलता है एक्टिवा, या जो पूरा लोहे का आपको पूरा आगे से लेकर पीछे तक प्रोटेक्टर मिलता है, तो वो भी देना चाहिए। और क्वालिटी मैं कहूँ पैनल्स की और कलर क्वालिटी और बेहतर हो सकती है डेफिनेटली। और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है दोनों साइड पे, पीछे वही LED बैकलाइट देखने को मिल जाती है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे एक फोम दिया गया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक चीज़ सबसे बुरी ये लगती है कि इसको भाई अगर बाइक कम से कम स्कूटी आपकी ऑन है, जब आप ऑन किए तब ये खुलना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी कोई भी आते जाते इसको खोल के छिड़कानी करता रहता है भाई, ये कभी भी खुल जाता है। और कवरेट की मैं बात करूं तो 125 किलो का कवरेट के साथ आती है, 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली EV में बात करूं तो मुझे अभी देखा जाए तो EV खैर उतने पसंद नहीं है, पेट्रोल आज भी मैं प्रेफर करता हूं, बट अगर आप EV लेने जा रहे हो तो EV में मेरी जो है पहली पसंद ये है। आई थिंक इसका वॉक अराउंड ही इतना लंबा हो गया कि इसमें मैं राइड रिव्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका आपको जो आपको प्रॉपर राइड रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो अपना फ़ोन ऑन आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो भाई इतनी सारी चीज़ें मतलब EV में क्या बोला जाए, और फ्यूचर ही फिलहाल EV है, हम लोग आई थिंक लास्ट जनरेशन है जो पेट्रोल अभी तक राइड कर रहे हैं। तो बस होप करता हूँ ये डिटेल्ड वॉक अराउंड इसका आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।